सब्सक्राइब कीजिए आकाशन शुभ्रांशु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आकाश आपके साथ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे ये जो स्क्रीन है, ये अभी नेक्सस गूगल के पिक्सल 2 की तरह है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए डायलर भी मेरा गूगल पिक्सल की तरह है। दोस्तों अब देखिए, एक जस्ट वॉच दोस्तों, मेरा फ़ोन पिक्सल नहीं है, मेरा फ़ोन आईटेल A41 Plus है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, रिव्यू दूंगा दोस्तों। ये जो आप लोगों ने देखा है, ये गूगल पिक्सल का लॉन्चर और गूगल पिक्सल का डायलर और कलर स्क्रीन, इसका मैं आज रिव्यू दूंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जिस एप्लीकेशन के नाम बोलूँगा उसे ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों, उसके लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा अभी होम स्क्रीन जो है वो इस मोबाइल के साथ ही दिए गए थे। तो दोस्तों अब मैं उस एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर में जाइए। दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को सभी को पता होगा कि नोवा लॉन्चर एक लॉन्चर है, नोवा लॉन्चर प्राइम जो है, ये देखिए दोस्तों नोवा लॉन्चर। इस नोवा लॉन्चर को इंस्टॉल कर लीजिए और इसका बीटा वर्जन ओपन कर लीजिए। ये देखिए यूर बीटा टेस्टर। तो यहाँ पे मैं अभी बीटा वर्जन में हूँ, अगर आप लोग नहीं है तो सबसे नीचे आइए और यहाँ पे बीटा वर्जन लिखा रहेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मैं अब इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। दोस्तों मेरा ये जो थीम है ये इसका नहीं है, इस लॉन्चर का। दोस्तों मैं यहाँ पे जाकर थीम सेट किया है, सेटिंग्स में जाइए। दोस्तों नोवा लॉन्चर को सबसे पहले आप लोग डिफ़ॉल्ट सेव कर लीजिए। ऑलवेज कर दीजिए और उसके बाद नोवा लॉन्चर के सेटिंग्स में आइए, और यहाँ पे डेस्कटॉप का जो है, डेस्कटॉप का आइकॉन लेआउट थोड़ा बढ़ा दीजिए, और डेस्कटॉप में ये जो है सर्च बार स्टाइल, ये आप लोग देख सकते हैं ये पहले वाला था, मैंने इसे चेंज किया है इस तरह के। आप लोग ये भी लगा सकते हैं, पर ये पिक्सल की तरह नहीं लग रहा है, ये पिक्सल की तरह लग रहा है। और मैं बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर दिया हूँ वो वॉलपेपर मैंने डाउनलोड कर दिया है, उस वॉलपेपर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग अगर मेरा जो एप्लीकेशन है पिक्सल आइकॉन पैक, यहाँ से मैंने आइकॉन को दिया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये है, यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए पिक्सेल आइकॉन पैक और नोगा TY। दोस्तों ये देखिए, ये ऐप मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, और ये ऐप का 1 मिलियन डाउनलोड है और 4.6 इसका रेटिंग है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आई अप्लाई जो है वो देखिए, मेरा इंस्टॉल लॉन्चर है नोवा लॉन्चर, नोवा लॉन्चर पे भी आप कर सकते हैं, और ABC लॉन्चर, एक्शन लॉन्चर, EDW लॉन्चर, एपेक्स लॉन्चर, एटोम लॉन्चर,
एविएट लॉन्चर, सीएम थीम, इस सभी में आप लोग इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आए वॉलपेपर के बारे में। यहाँ पे देखिए आप लोग वॉलपेपर मिल जाते हैं। यहाँ पे ये वॉलपेपर मैंने वॉलपेपर 17 को लगाया हुआ हूँ। तो दोस्तों आप और भी वॉलपेपर लगा सकते हैं आपके जो पसंद हो। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं इसका डायलर में। इसका डायलर ये वाला जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको इसका अननोन सोर्स जो है फ़ोन में वो ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अननोन सोर्स को ऑन करने के बाद आप लोगों को डाउनलोड लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए मेरा जो फाइल एक्सप्लोरर है एप्लीकेशंस, दोस्तों ये रहा, ये कुछ इस तरह का आएगा, गूगल कॉन्टैक्ट और गूगल डायलर, नो रूट है ये। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप लोगों को सिंपल से इंस्टॉल कर लीजिए। पहले इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग सेटिंग्स में आइए, उस एप्लीकेशन को पहले ओपन मत कीजिए, सेटिंग्स में आइए और ये जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप लोग ढूंढिए वो एप्लीकेशन कहाँ पे है। दोस्तों मैं ढूंढ रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों मुझे ये डीप आइकॉन का जो कॉन्टैक्ट है ये मिल गया है, इसे आप लोग क्लिक कीजिए। 6.38 MB का है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है परमिशन, परमिशन को आप लोग क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी है उन सभी को टिक कर दीजिए। और टिक करने के बाद यहाँ से बैक करके आइए और दोस्तों उसके बाद डायलर को ढूंढिए। मैं ढूंढ रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये 12.95 MB का है, ये वाला है वो डायलर गूगल का। दोस्तों इसको ओपन कर लीजिए और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है परमिशंस वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे सभी को टिक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये परमिशंस ओपन करके टिक नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे ऊपर देखिए ये जो सेटिंग्स वाला जो लोगो है ये वाला, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आइए डिफ़ॉल्ट ऐप्स, ये देखिए इस डिफ़ॉल्ट ऐप्स में क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आइए और दोस्तों ये सेटिंग्स के ऊपर जो है डिफ़ॉल्ट ऐप्स, इस एप्लीकेशंस को आप इसको ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा फ़ोन ऐप, फ़ोन ऐप पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। और फ़ोन ऐप पे क्लिक करने के बाद जो आप लोगों को डीप आइकॉन का मिलेगा, ये देखिए ये आइकॉन बहुत ही हल्का कलर का है और ये ट्रू कलर का है, ये नहीं होगा। जो डीप आइकॉन है और इससे थोड़ा बड़ा है, ये देखिए इससे थोड़ा बड़ा है ये वाला। तो दोस्तों इससे बड़ा जो है उसे डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर दीजिए। और दोस्तों उसको डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल से कैंसिल को क्लिक कर दीजिए। और कैंसिल को क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक करके आप लोग सिंपल से होम स्क्रीन में आ जाइए। और होम स्क्रीन में आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ से मैं अगर कॉल करता हूँ पहले वाला नंबर को ही, दोस्तों ये ट्रू कॉलर आया है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कॉलिंग। दोस्तों इसे मैं काट दे रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैं इस डिवाइस में कॉल करके देख रहा हूँ, मैं दूसरे डिवाइस से इस डिवाइस पे कॉल कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए ये वाला है वो। दोस्तों यहाँ पे है और एक मज़ेदार चीज़, ये देखिए ये जो है कॉल ब्लॉकिंग है। और दोस्तों ये आइकॉन देखिए बार बार अप डाउन और वाइब्रेशन हो रहा है।
यहाँ पे आप लोग रिंगटोन रख सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ अभी। और दोस्तों ये स्वाइप डाउन टू कैंसिल कॉल और स्वाइप अप टू आंसर, दोस्तों ये एकदम गूगल पिक्सल की तरह है। तो मैं ये फ़ोन काट दे रहा हूँ और आगे देख रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद आइए यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट्स देखने को मिलेगा, उन डॉट में क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन होगा, सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए। और सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा डायल पे टोन्स, उसे आप ओपन कर सकते हैं या नहीं ओपन कर सकते। और उसके बाद आता है ये देखिए फ़ोन रिंगटोन, फ़ोन रिंगटोन आपको जब मनपसंद हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए फ़ोन रिंगटोन में जाके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे क्रॉस कीजिए और एंजॉय कीजिए इस थीम का, इस डायलर का। और प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।